की जय। जहां हुए बलिदान मुखर्जी भारत माता की जय। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। बिच्छू तेरे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में अपनी स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारी बातों को दबाया गया है, और ये इसलिए दबा गया कि किसी एक विशेष वर्ग को इसके बारे में बुरा न लगे। जब 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, तब पंजाब में जो हुआ था शायद पूरी तरह से अब लोगों के सामने आया नहीं है। कश्मीर फाइल ये अपने एक स्वतंत्र रूप से इस देश में रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह से कश्मीर में अन्याय हुआ, वहां से उनको निकाला गया, और जिस तरह से निकाला गया और जो त्रासदी उस समाज पर हुई है, उसका एक वास्तविक चित्रण इस चित्रपट में है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में इन कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति हुई वो देश की जनता को देखने मिले, इसलिए हमने आज इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। सर, दो दिन पहले 5 लाख का अनुदान दिया गया बीजेपी की ओर से। ऐसा है कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए तो वे दिल्ली में रहे, जम्मू में रहे, उज्जैन, इंदौर, अमृतसर, यहां तक कि मुंबई में, बांद्रा में, पूर्व में एक बड़ी बस्ती उनकी टेम्पररी रूप में यहाँ पर रह रही थी, उनकी मदद की है। जब मेरे परिसर में वो आए थे मदद के लिए, तब मैंने बढ़ चढ़कर उनकी मदद के लिए मैंने हिस्सा लिया था, और ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। केवल किसी बात को लेकर नकारात्मक बात करना और भाषण देना, इससे काम नहीं होता है। तो वास्तविक रूप से आज उस समाज को मदद करने की आवश्यकता है, इसीलिए हमारे उत्तर मुंबई के सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने इस बात के लिए आगे होकर ये घोषणा की कि हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की ओर से उन्हें हम 5 लाख रुपए की राशि देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। सर, महाराष्ट्र में अभी तक टैक्स फ्री नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे? ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में हम कुछ न कहे तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंत्रालय में जाते नहीं है, महाराष्ट्र के मंत्री आए दिन जेल में जा रहे, और महाराष्ट्र के मंत्रालय की और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि नवाब मलिक, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। अब वे मंत्रिमंडल में तो है लेकिन बिना खाते के मंत्री है, लेकिन निकाले नहीं जाएंगे। मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है, क्या ये वही शिवसेना है जो शिवसेना कभी बाला साहब जी के नाम पर चलती थी, जो बाला साहब पूरी जिंदगी में इस बात के लिए पूरे देश में जाने जाते थे कि एक बार बाला साहब ने कह दिया तो अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे, क्या ये वही बाला साहब की शिवसेना है जो बाला साहब सारे समाज के पीछे खड़े होते थे? दुर्भाग्य से आज की ये शिवसेना सत्ता के लिए खड़ी है, और एक बार सत्ता का लालच जिसे लग जाए तो धर्म और अधर्म की जो बीच की खाई होती है वो खत्म हो जाती है। बस इससे ज्यादा कुछ कहना आवश्यक नहीं है। पिक्चर में जो कश्मीर की त्रासदी हुई थी उसको छुपाया गया था इतने दिनों तक राजनीति के कारण। पता नहीं राजनीतिज्ञों को उस समय क्या डर था और किस वर्ग को ये खुश करना चाहते थे, जबकि पूरा भारत मनुष्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब एकदम अलग है। बाहरी रूप से कहा जाता है कि सेकुलर मतलब मिलजुल के रहना, सबको बराबर कर दर्जा देना। नेताजी टोपी बन के मस्जिद में जाएंगे वो सेकुलर है, नेताजी इफ्तार पार्टी में जाएंगे, मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, तो सेकुलर है। वो मंदिर में चले जाएं अगर तो उस सेकुलरिज्म से बाहर चला जाता है। ये मानसिकता अभी भी पूरे भारतवर्ष में है, जिसको ये फिल्म उजागर कर रही है। कश्मीरियों के, लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित, हम तो कहेंगे कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को इस फिल्म में दिखाया है, सच्चाई दिखाई है। अलग अलग बाइट्स, अलग अलग वीडियोज हमने मिसेज मेनन जो प्रोफेसर है, जिसको इसमें राधिका मेनन बताया है, वो ओरिजिनल सारी उनकी बातें वीडियो पूरा हमने देखा उनके भाषण का, जो कहते हैं कश्मीर वॉज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
कश्मीर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। टेररिज्म को सहज बनाने के लिए, टेररिस्टों को केंद्र सरकार ने उस समय की बुला के मीडिया पे बुलाया, इंटरव्यू दिलवाया, सबके बारे में पता है। तो जो छुपाया गया कि उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो बड़े दर्द और दुख की बात है कि कश्मीरी हिंदुओं को इतने 30 सालों में न्याय नहीं मिला। वो भटकते रहे, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं रहा। आज तक भी कुछ तथा कथित सेकुलरिस्ट है, कई पार्टियों के लोग हैं, हम तो किसी पार्टी के नहीं है, महात्मा है, लेकिन उनके विचार और उनके बातों से लगता है कि किस दुनिया में जीते हैं, कहाँ के रहने वाले लोग हैं, मानवता इनके अंदर है या नहीं है, केवल इनको पॉलिटिक्स करना है और राज करना है। वो कहते हैं कि इसमें फैक्ट नहीं है। फैक्ट आप खोजिए, फिल्म के फैक्ट्स की जांच करवाइए कि अगर फैक्ट नहीं है तो फैक्ट आप सामने ला के दीजिए ना। 30 साल के बाद तो ये फैक्ट सामने आया है और सबका दर्द छलक रहा है। तो अब तो आवाहन ये है कि जिनको ये त्रासदी झेलनी पड़ी उनको न्याय मिले, और साथ साथ भारत के किसी भी कोनों में कश्मीर जैसी दुर्दशा अब न हो पाए, इसलिए जागृति की जरूरत है। और स्वामी एक्सप्री हुआ है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स फ्री नहीं किया है, तो आप सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहोगे? देखिए, हम टैक्स फ्री करने के लिए नहीं कहेंगे, ये जनता को सच्चाई देखना है, वो पैसा दे के भी देख लेंगे। ये तो अलग अलग सरकारों की स्थिति, उनको लगा कि नहीं राष्ट्र हित में है और राष्ट्र के छुपे हुए चीज को उजागर कर रहा है, तो इसको राष्ट्र के हर नागरिक को देखना चाहिए। उन सरकारों ने टैक्स फ्री किया, यहाँ के सरकार को नहीं लगता है तो न करे टैक्स फ्री। लेकिन भारत के जो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक लोग हैं, वो कैसे भी पैसा दे के देखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? स्क्रीनिंग रखा है। कश्मीर फाइल्स के बारे में इतना ही कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया है। गलती इस प्रकार किया है कि हम लोगों ने एक जात के नाम पे, एक प्रांत के नाम पे बांट दिए। हमने कहा कश्मीरी पंडित, अगर उसी को हम लोग बोलते कि हमारा भगवान वहाँ जल रहा है, हमारा हिंदू जल रहा है, तो निश्चित ही पूरा हिंदुस्तान एक साथ पे खड़ा होता और उसका परिणाम अच्छा होता, मुझे ऐसा लगता है। आज जो मैं देख रहा हूँ, बहुत दुख लगता है देख के कि हमारे 5-6 लाख पंडितों के साथ में इतना इस तरह का व्यवहार किया गया, और कांग्रेस जो लूटने का और आतंकवादी पैदा करने का जो वो पार्टी है, वो जो काम करते आए हैं, उसका भी सच्चाई आज जनता तक पहुँच रहा है और जनता भी नकारते जा रही है, और कांग्रेस अब एक कौम बन के रह जाएगा, .com जैसे होता है वैसे कॉम बन के रह जाएगा आने वाले दिन में। और जनता को, हर जनता कश्मीर फाइल देखेगा और उसका निर्णय, जैसे यहाँ पर चुनाव होने वाला है BMC का चुनाव, उसमें भी इस कश्मीर फाइल के मूवी का बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लेगा। सर, आज कश्मीर फिल्म आप स्क्रीनिंग रखा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, द कश्मीर फाइल्स ये जो फिल्म बनी है, जो कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, उसकी एक सच्ची कहानी यहाँ बताई गई है। और हम सोच सकते हैं कि 1990 के शुरुआत में ये जो घटना घटी, उससे कश्मीरी पंडित को, 5 लाख पंडित को पूरा कश्मीर वहाँ छोड़ना पड़ा। और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, बात करते हैं अल्पसंख्यक की, बात करते हैं जब अल्पसंख्यक कश्मीर में जब हिंदू हो जाते हैं, वो भी उसके साथ किस तरह की विडंबना होती है। और ये तो फिल्म में बताया, उसमें से कुछ हिस्से बताए हैं जो फिल्म को सेंसर का जो नियम रहता है उसके आधार पे, लेकिन जो फिल्म में बताया उससे भी कई प्रकार के जुल्म हो गए कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए हैं। और आने वाले समय में भारत देश में हर नागरिक ने ये फिल्म देखनी चाहिए, ताकि हम जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो आने वाले समय में हमको एकजुट होके इस तरह के जो अन्याय करने वाले, चाहे वो पाकिस्तान के हो, खालिस्तान के हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने के गद्दार हो, इनको सबक सिखाने का ये वक्त है। और ये कश्मीर फिल्म देख के हम लोग इसका सबक ले सकते हैं।